कच्ची सड़क पर दौड़ते बच्चे, पास ही लंगड़ी का खेल खेलती लड़कियां, चौराहे से स्कूल जाते बच्चों का झुंड, और उनके बीच एक 10 साल की मासूम बच्ची नीता, जो अपनी गरीबी का बोझ लिए खाली कदमों से धान की गठरी लिए खेत से आ रही है। अचानक उसे दीवार पर चिपका हुआ जूते चप्पलों का एक विज्ञापन दिखा। सुंदर हार है उसके सैंडल देख उसकी आंखें चमकने लगी। आसपास किसी को ना देखकर उसने चुपके से उस विज्ञापन को निकालकर अपनी गठरी में छुपा लिया। उसके कदमों में जैसे बिजली से फुर्ती आ गई थी। झोपड़ी में पहुंचते ही नीता अपने गुल्लक को फोड़कर उसमें जमा अपनी मिल्कियत गिनने लगी, पर अफसोस 8 रुपये से ज़्यादा न थे उसके खजाने। बहुत उधेड़ बुन के बाद उसने खुद एक हाई हील्स बनाने का निश्चय किया, पर उसके पास तो चप्पल भी ना थी। तभी अचानक उसे याद आया, उसने एक चप्पल अपने तहखाने पर छुपा रखा था, दूसरा जोड़ा न होने की वजह से वो कभी उसे पहन ही नहीं पाई। बिना देरी किए नीता कुछ मिट्टी पास के तालाब से उठा ली। पाया हुआ चप्पल रखकर उसने एक जोड़ी मिट्टी की चप्पल बनाई। धीरे धीरे विज्ञापन के चित्र को देख उसने कुछ कुछ उसी की तरह एक हील्स बना ली। अपने पास पड़े कुछ ऊन के टुकड़े, कपड़ों की कतरन सब मिलाकर उसने उसे सजाने में कोई कसर न छोड़ी। वाकई किसी सिंड्रेला की हील्स से कम नहीं लग रही थी नीता की हील्स। अब आई पहनने की बारी, पर वो अभी भी एक तक उसे देखे जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक नई हील्स बना ली है। बड़े एहतियात से उसने अपनी नई हील्स पहनी और आज नीता खुद को किसी राजकुमारी से कम अनुभव नहीं कर रही थी, पर उसके सपनों के महल की तरह वो भी 4 कदम चलने के बाद टूट गई। वो अपने टूटे हुए चप्पलों को हाथ में उठाकर आंसू भरी निगाहों से देखने लगी। देखते देखते सहसा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की लंबी लकीर खींच गई, केवल इस ख्याल से कि आज उसने अपना हील्स पहनने का सपना पूरा कर लिया था।